तो चार चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है पांचवें चरण की, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हुए हैं, तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, समाज कल्याण मंत्री हैं रमापति शास्त्री, ये मनकापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवें चरण के ये सियासी दिग्गज है जिनकी साख दांव पर है। प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की साख भी इसी चरण में दांव पर है। वहीं सपा के साथ गठबंधन कर चुकी अपना दल की कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, जिनकी किस्मत का फैसला अब 27 फरवरी को होना है। तो पांचवें चरण के ये सियासी दिग्गज हैं जो आमने सामने भी हैं, जो कई मंत्रियों को टक्कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, निर्दलीय विधायक शामिल हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पांचवें चरण में किस तरह से ये अपना चुनाव प्रचार करते हैं। और रतीश हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ और भी संवाददाता अलग अलग जगह से जानकारी देंगे। रतीश, सबसे पहले रुख आप ही का करेंगे, आप बताएं कहां मौजूद हैं इस वक्त, किस विधानसभा में और क्या है वहां का नजारा, कैसे हो रहा है प्रचार? बिल्कुल, देखिए गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं और गोंडा सदर सीट जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ कांग्रेस की, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो वर्तमान विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सूरज सिंह, और उन्हीं के बीच एक महिला प्रत्याशी है रमा कश्यप कांग्रेस की, जिनके साथ हम हैं और जो प्रचार युद्ध में आज पूरी ताकत झोंक रही है। सीधे उनसे बात करते हैं, अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, प्रचार कर रही है और प्रचार में क्या ध्यान रख रही है आखिरी दिन बताइए रमा जी। प्रचार युद्ध का आखिरी दिन है, किस तरह से ताकत झोंक रही है? मेरी पूरी ताकत है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस बार 10 मार्च को आप रिजल्ट देखेंगे कि एक बेटी ने, जैसा प्रियंका गांधी जी ने टिकट दे करके इस विधानसभा के लिए इतिहास बनाया है कि आज तक कभी किसी महिला को यहाँ से टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मौका दिया है इस विधानसभा को, और ये लड़की साधारण परिवार की बेटी 10 मार्च को यहाँ पे इतिहास बनाएगी। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या लेकर के जा रही हैं, आज आखिरी दिन है, लोगों को क्या समझाएंगे जाकर के कि इन मुद्दों को लेकर के आप हमको वोट दें? हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ इस विधानसभा में महिलाओं को मौका नहीं मिला है, तो महिलाएं भी इस बात को चाहती हैं कि हमारी कोई महिला नेता हो, हमारी महिला विधायक कोई हो तो अपनी बात खुल के कह पाए। हमारी यहाँ की महिलाएं परेशान है, थाने में लाइन लगा के बैठी है, कोर्ट कचहरी में लाइन लगा के बैठी, एसपी के यहाँ लाइन, उनके सुने नहीं जा रहे हैं। तो इस बार महिलाओं ने भी मन बना लिया है, हमारे मुद्दे यही है कि महिलाओं के लिए यहाँ शहर में कोई शौचालय नहीं, अगर महिला कोई मार्केट जाती है, अगर उसे शौचालय जाना है, बाथरूम कहीं जाना है, तो उसे दिक्कत होती है, फिर वो इस, ये हमारी सबसे बड़ी महिलाओं के लिए समस्या है। यहाँ सीवर लाइन की समस्या है, जब बरसात होता है तो नाले बगैर में भर जाते हैं, पानी नहीं निकल पाता है, इतने इतने पानी होते हैं, घुटने पूरे भर जाते हैं, महिलाओं को भी उसमें बहुत सारी समस्या होती है। जो रिक्शे पे जाता है, जो पैदल जाता है, वो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती जब पानी भरा होता है, बच्चे स्कूल में डांट खाते हैं, मार खाते हैं जब रास्ते में पानी होता है कि आपके यूनिफॉर्म कैसे गंदे, वहाँ फिर स्कूल ये नहीं देखता है कि हमारा बच्चा कैसा है, तो पेरेंट्स भी परेशान। भरोसा लोगों में भरोसा पैदा कर पा रही है अपने मुद्दों को लेकर? बिल्कुल भरोसा है, इस बार तो वो चाहते ही है कि जो है जैसा पार्टी ने मौका दिया है, टिकट देकर कांग्रेस प्रत्याशी की हमने बात सुन ली है।